यूजीसी नेट की परीक्षा पर्चा लीक होने के कारण रद्द कर दी गई। इसके बाद नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो चली है। नीट एग्जाम को कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो, नीट एग्जाम को कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। कांग्रेस ने इस मांग को लेकर देश भर में एनडीए सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। दिल्ली से लेकर जयपुर, चंडीगढ़ से लखनऊ, पटना से रांची, गुवाहाटी से बेंगलुरु तक कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कहीं गिरफ्तारियां दी, कहीं धरना, तो कहीं जुलूस निकाले गए। मांग शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है, जेपीसी जांच की है। हम ये मांग करते हैं कि सबसे पहले एनईईटी की जो परीक्षाएं हैं उनको रद्द किया जाना चाहिए, लेकिन एनटीए जो है उसकी जगह भी एक अच्छी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। आज साबित हो गया कि गुजराती लॉबी काम कर रही है, गुजराती लॉबियों ने पूरे देश को बर्बाद किया। ये जो एपिक सेंटर है ये गुजरात और मध्य प्रदेश वहाँ है, और जब तक उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी तब तक ये धांधली चलता रहेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हमला बोला। एक्स पर लिखा, विभिन्न परीक्षाओं का पेपर लीक होना सरकार की सत्यनिष्ठा पर सवालिया निशान है। विपक्ष के तूफानी हमले के बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने इसमें सफाई दी, छात्रों को भरोसा रखने को कहा, साथ ही शिक्षा विभाग की नाकामी की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ली। मैं इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को, इस प्रकार की एक्सीडेंट को स्वीकार करता हूं। मैं भी उसके लिए जिम्मेवार हूं क्योंकि मैं शिक्षा विभाग की दायित्व में हूं। ऐसे नहीं होना चाहिए। देश के विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, उनकी मेहनत को, उनकी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उनकी भविष्य की सुरक्षा के लिए गड़बड़ी और बाधा डालने वाले कोई भी व्यक्ति हो, भारत सरकार उसके ऊपर सख्ती से पेश आएगी। पेपर लीक के मुद्दे पर बीजेपी धर्म संकट में है, क्योंकि बिहार में जेडीयू ने भी नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग कर डाली है। मेरे विचार से तो इसको खारिज करना चाहिए, इसका कोई आधार नहीं है। ये एग्जाम रद्द होना चाहिए और दूसरा एग्जाम होना चाहिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। साफ है कि अब ये मुद्दा सिर्फ परीक्षा तक सिमटा नहीं है, अब खुद सरकार भी अग्नि परीक्षा से गुजर रही है।